नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एआरओ भर्ती की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहें। और दोस्तों, जो हमने अपने चैनल पर जीके के मॉक टेस्ट करवाए थे, उनके पीडीएफ तैयार हो चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था UPPCL में एआरओ भर्ती को लेकर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें डेट बताई गई थी 9 सितंबर। तो आज 9 सितंबर है, परंतु अभी तक वेबसाइट के ऊपर कोई भी लिंक अपडेट करने का नहीं दिया गया, जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि फॉर्म की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी बहुत कम है। मगर उसके बावजूद कई अभ्यर्थी इस परीक्षा को लेकर काफ़ी उत्साहित लग रहे हैं। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इस परीक्षा के बारे में, और हो सकता है कि आज रात तक लिंक एक्टिवेट हो जाए या फिर कल तक। तो एक्टिवेट तो हो ही जाएगा इसका लिंक, मगर इसकी परीक्षा जो है वो बहुत जल्दी होगी, यानी कि अक्टूबर, अभी सितंबर चल रहा है, अगले ही महीने इसकी जो है परीक्षा होने की प्रबल संभावना है। अब दोस्तों, हम बता देते हैं कि ये किस तरीके की परीक्षा है, क्योंकि कई लोग जो है नए जुड़े होंगे जिन्होंने इसकी परीक्षा नहीं दी होगी। फीस बहुत ज़्यादा है, 1000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए जो है दोस्तों 700 रुपये है। इसके अलावा जो मैंने आपको इसका सिलेबस बताया था, सिलेबस में दोस्तों इसके इंग्लिश और हिंदी का वेटेज बहुत ज़्यादा होने वाला है। और इस समय हम चैनल पर रात को 11 बजे जो मॉक टेस्ट करा रहे हैं, वो हिंदी के लिए करा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस परीक्षा को लेकर ज़रा से भी गंभीर हों तो हमारे लाइव मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं रात को 11 बजे। कई लोग पूछते हैं इसके अंदर टाइपिंग किस फॉन्ट में होगी, तो साफ साफ लिखा हुआ है कृति देव 10 या 16। इसके अलावा कोई और फॉन्ट नहीं चलने वाला है, और टाइपिंग की मिनिमम स्पीड आपकी 30 की होनी चाहिए। दोस्तों, UPSSC की जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा होती है उसमें 25 की स्पीड मांगी जाती है, परंतु यहाँ पर 30 की स्पीड मांगी जाएगी, और 5 मिनट का आपका टेस्ट होने वाला है। परीक्षा का पैटर्न है दोस्तों, सामान्य अध्ययन मात्र 20 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 40, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी के ही हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो तो दोस्तों इस फॉर्म को मत डालिएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाली है इसकी, कोई नहीं बता सकता कितनी जाएगी। तो आपको खुद ही डिसीजन लेना है कि फॉर्म डालना है या नहीं। कितने लोग इस फॉर्म को डालने की हिम्मत करेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हिंदी 70 नंबर की, और अंग्रेजी भी जो है वो 70 नंबर की आएगी, और 10+2 वाला जो है वो इसके अंदर लेवल होने वाला है। ये दोस्तों टोटल आपको, और हाँ, एक जानकारी और, इसमें ओ लेवल तो नहीं मांगा गया है, मगर उसका जो ज्ञान है वो आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कंप्यूटर का पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक ये मान लीजिए कि बाकी में आपने कितना भी क्यों ना कर दिया हो, उसे चेक नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। कंप्यूटर के लिए दोस्तों मैं बहुत ही जल्द, पहले हिंदी जैसे ही कंप्लीट हो जाती है उसके बाद कंप्यूटर के PDF पे काम किया जाएगा, कंप्यूटर की क्लासेस चलाई जाएंगी। तो कम से कम आपका इतना तो करा ही दिया जाएगा कि आप 50 में से 20 नंबर बड़ी आसानी से ले आएंगे, क्योंकि इसमें मिनिमम 20 नंबर लाना ज़रूरी है। इसके नंबर कोई मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, आप 50 में से 50 ले आएँ उसका कोई मतलब नहीं है, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं ना, हिंदी और इंग्लिश। तो इसलिए जो है इसमें आप इतना करना है कि आप कंप्यूटर वाले को क्वालिफाई कर लें, मतलब 25 नंबर ले आएँ या 26 नंबर ले आएँ, मिनिमम 20 तो आने ही चाहिए आपके। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत ही कम है, अनरिजर्व कैटेगरी की मात्र 3 वैकेंसी, EWS की 1, OBC की 6, SC कैटेगरी की भी 6 हैं, और अनुसूचित जनजाति की 0। तो अगर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें अगर आप उसके बराबर नंबर ले आते हैं तो फिर आपको भी जो है इसमें मतलब सीट मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, कई लोग सोच रहे होंगे जो ST कैटेगरी के हैं कि हमें फॉर्म ही नहीं डालें क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, और यदि हम सैलरी की बात करें इसमें, तो मैट्रिक्स 6 की नौकरी है, 4200 ग्रेड पे आप कह सकते हैं 36800 जो है वो आपको सैलरी मिलेगी, बेसिक होगी, और तनख्वाह लगभग जो है इसमें 45 से 50 हज़ार के बीच में बनेगी। और जो विद्युत विभाग के द्वारा जो अलग से सुविधाएं मिलती हैं वो भी मिलेंगी, जैसे कि बिजली का मीटर जो है वो आपका एक फ़िक्स चार्ज हो जाएगा कि 500 रुपये, और उसके बाद आप बिजली कितनी भी जलाएं। ठीक है, तो ये फैसिलिटी आपको अलग अलग विभाग के अनुसार मिल जाती है, जैसे कि टेलीफोन विभाग में अलग फैसिलिटी है, रेलवे में आपको पास की फैसिलिटी है। तो इस तरीके की मैं आपको लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस विभाग में कौन कौन सी सुविधाएं आपको अलग से मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी हो
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।